नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आप भी इस नवरात्रि में इस मंत्र से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं? तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप अपनी गरीबी दूर करके माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी का यह चमत्कारी गुप्त मंत्र आपको इस नवरात्र में ज़रूर जपना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करें और आपकी गरीबी दूर हो जाए, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएं और आपके ऊपर जो कर्ज हैं वो भी दूर हो जाएं। तो आइए जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का वह मंत्र कौन सा है और इसे आपको किस प्रकार से जपना है। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी का यह चमत्कारी मंत्र कुछ इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्से 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 नमो नमः। अब दोस्तों, इस मंत्र को आपको जपना कैसे हैं? दोस्तों, नवरात्र के पूरे 9 दिनों में आपको इस मंत्र का 10,000 बार पाठ करना है। आप मंत्र चाहे तुलसी की माला से करें या रुद्राक्ष की माला से करें, यह आपके ऊपर है। आपको तुलसी या रुद्राक्ष में से किसी भी एक माला से इस मंत्र का 10,000 बार पाठ करना है। और आप जब इस मंत्र का पाठ करें तो आपके सामने माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो ज़रूर रखनी है। और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सामने आपको एक बार अपनी मनोकामना बोलनी है माँ लक्ष्मी से, कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरी दरिद्रता को दूर करें, मेरी गरीबी को दूर करें, मेरी समस्याओं को दूर करें। और दोस्तों, मंत्र बोलने से पहले आपको भगवान श्री गणेश का स्मरण ज़रूर करना है, क्योंकि भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं। वह आपके इस मंत्र अनुष्ठान में जो भी विघ्न आएगा उसको दूर करके आपके इस अनुष्ठान को सफलतापूर्वक 9 दिनों में पूरा करने में आपकी मदद करेगा। और फिर इस मंत्र का आपको पाठ करना है। आपको पूरे 9 दिनों में 10,000 का पाठ करने के लिए आपको हर दिन 1,151 बार इस मंत्र का पाठ करना है, जिससे कि पूरे 9 दिनों में आपके इस 10,000 जप का अनुष्ठान हो जाएगा। और दोस्तों, आप विश्वास कीजिए, जैसे ही आप पूरे नवरात्र में 10,000 बार इस मंत्र का पाठ करेंगे तो आपकी गरीबी जो है दूर हो जाएंगी, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो दोस्तों, आप विश्वास पूर्वक इस उपाय को कीजिए, यह आपको गरीबी से निकालकर आपके जीवन को सुधार देगा। आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। तो दोस्तों, आप इस उपाय को इस नवरात्र में ज़रूर कीजिए।